कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की थी। 4000 किलोमीटर हम चले, हजारों लोग, लाखों लोग एक साथ मिलकर भारत जोड़ने के लिए, समुद्र से हिमालय की बर्फ तक चले। भैया बोलने दीजिए, ये आप नारे बाद में। देश में बीजेपी और आरएसएस नफरत और हिंसा फैला रही है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाती है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाती है, और हिंसा देश में फैलाती है। 4000 किलोमीटर में मैंने हजारों युवाओं से, किसानों से, छोटे व्यापारियों से बात की। 7 घंटे हम चलते थे, 15 मिनट शाम को ऐसा भाषण होता था, और लोगों ने मुझे सिर्फ 2-3 बात बोली। सबसे पहले हर प्रदेश में बेरोजगारी, 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 जहां भी आप देखो बेरोजगारी दिखेगी। युवाओं से बात करो, कहते हैं राहुल जी 5-6 लाख रुपए, 10 लाख रुपए हमने प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को दिया है। हमने सोचा था, ये झंडा हटाइए, हमने सोचा था कि ये जो हमने 5-6 लाख रुपए प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में डाला, इससे हमें डिग्री मिलेगी और डिग्री से हमें रोजगार मिलेगा। हमने रोजगार पाने के लिए यह शिक्षा ली है। यह कॉलेज की डिग्री, मेडिकल डिग्री, लीगल डिग्री, यह हमने ऐसे नहीं ली, हमने ये रोजगार पाने के लिए ली है। और 5-6 लाख, 10 लाख खर्च करने के बाद हमें पता लगता है कि प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी वालों ने हमारा पैसा ले लिया, एक कागज हमें पकड़ा दिया, और हिंदुस्तान में उस कागज का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस कागज से हमें रोजगार तो नहीं मिलता। दूसरों ने कहा राहुल जी हम पढ़ते हैं और फिर एग्जाम के दिन पेपर लीक हो जाते हैं और युवाओं के मोबाइल फोन पे हमें दिखते हैं, मोबाइल पे हमें दिखते हैं। मतलब हमने 6-7 लाख रुपए डाले, हमने मेहनत की, और किसी चोर ने पेपर चुरा के 100% मार्क ले लिए। अब जब ये मेरे पास आते थे, नहीं सुनो सुनो, डिस्टर्ब मत करो, जब भी मेरे पास ये आते थे, युवा आते थे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर, हर प्रदेश में मैं उनसे पूछता था, भैया एक बात बताओ, पूछना नहीं चाहिए मगर मैं पूछता था, भैया मुझे बात बताओ तुम्हारी जात क्या है। और 90% लोग, कोई मुझे कहे मैं पिछड़ा हूं,
कोई मुझे कहे मैं दलित हूं, कोई मैं कुछ कहे मैं आदिवासी हूं। और जब जनरल कास्ट वाला मेरे पास आता था, मैं पूछता था, भैया तुम्हारे माता पिता अमीर है या गरीब? वो कहता था गरीब है। तो फिर मैंने पता लगाया, मैंने कहा यहां पे यात्रा में मुझे पिछड़े लोग, दलित लोग, आदिवासी, गरीब, जनरल कास्ट के लोग मिल रहे हैं। मैंने पता लगाया कि भैया ये देश में है कितने, ये देश में 10% 20% 30% 40% 50% ये है कितने। सड़क पर तो मुझे यही दिख रहे हैं और कोई दिख नहीं रहा। पता लगाया, सरकार कहती है हमें नहीं मालूम। मैंने कहा आपको कैसे नहीं मालूम? सरकार कहती हमें नहीं मालूम। मैंने पूछा पिछड़े कितने हैं हिंदुस्तान में? हमें नहीं मालूम। दलित कितने हैं हिंदुस्तान में? हमें नहीं मालूम। आदिवासी कितने हैं? हमें नहीं मालूम। जनरल कास्ट के गरीब कितने हैं? हमें नहीं मालूम। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश में पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं? बताओ बताओ कितने हैं? 50%। आपका नाम क्या है? पूरा नाम? गोविंद सिंह जाटव जी। पिछड़ी जात के 50% आपने कहा, ठीक है। दलित कितने? 15%। आदिवासी कितने? 8%। 50, 15 और 8 कितना हुआ? 73%। 73% आबादी, 73% आबादी दलित, आदिवासी, पिछड़े। भैया शांत हो जाइए, डिस्टर्ब मत कीजिए। अब यहां मैं भीड़ में पूछना चाहता हूं, यहां पे पिछड़े लोग कितने हाथ उठा के दिखाओ? ये देखो 50%। दलित कितने हाथ उठा के दिखाओ? आदिवासी यहां कम है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पे मुझे भीड़ में पिछड़े और दलित तकरीबन 50-60% दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में मैंने मालिकों की लिस्ट निकाली है, 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट में दलित, आदिवासी, पिछड़े कितने कितने? 60% नहीं है। मालिकों में मैंने लिस्ट निकाली है, 200 कंपनियों के मालिक में ना एक दलित, ना आदिवासी, ना पिछड़ा। फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने कहा ठीक है भैया, ये देश के दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, ये मालिक नहीं बनना चाहते। तो मैंने पता लगाया मैनेजमेंट में कितने लोग हैं, सीनियर मैनेजमेंट में दलित, आदिवासी, पिछड़े 73% के कितने? बोलो बोलो, जीरो, एक नहीं है। तो जब आप प्राइवेट अस्पताल में जाते हो, यहां पे किसी का पैर टूटा? टूटा? जब आप प्राइवेट अस्पताल में गए, आपने पैसा दिया? आपने प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई की? जब आपने प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपने पैसा दिया, आपने किसको दिया? आपने ना दलित को दिया, ना आदिवासी को दिया, ना पिछड़े को दिया, और ना आपने जनरल कास्ट के, ना आपने जनरल कास्ट के गरीब व्यक्ति को दिया। मतलब आपकी जेब में से पैसा निकल रहा है और 2-3% लोगों के जेब में जा रहा है। उन 2-3% में ना गरीब जनरल कास्ट का कोई है, ना आदिवासी है, ना दलित है, ना पिछड़ा है।
अब सुनिए, अब आप कहोगे मुझे देखो हम दलित हैं, हम आदिवासी हैं, हम पिछड़े हैं, आप हमारे लिए सपना देख रहे हो, आप चाहते हो कि कॉरपोरेट हिंदुस्तान में हम भी जाए, मगर हम में इस सपने को देखने का दम नहीं है। आप कह सकते हो कि हमने हार मान ली, राहुल गांधी ये सपना देख रहा है, मगर हम में वो क्षमता नहीं है, हम में वो दम नहीं है, हम में वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक बने। आप कह सकते हो, मैं मानूंगा नहीं, मगर आप कह सकते हो। तो फिर चलो, आप कंपनियों में नहीं हो तो फिर मुझे बताओ मीडिया में आपके कितने लोग, मीडिया में आपके कितने लोग। अब देखो मैडम, आपका नाम क्या है? हाँ, पूरा नाम? हाँ, नीति तनेजा जी हैं, मीडिया की हैं, ठीक है, ये न्यूज तक कंपनी है। आपका नाम क्या है, पूरा नाम क्या है? रक्षा जी, अभी वहां आऊंगा। अब देखिए, यहां पे माइक सेलफोन पकड़ी रक्षा यादव है, दिशा यादव, और ये दिशा यादव जो है ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी की मालिक कभी नहीं बन सकती है, क्योंकि इसके नाम के पीछे यादव शब्द है, ये नहीं बन सकती है। ये कितना भी पसीना दे दे अपना, कितना भी खून दे दे अपना, ये पिछड़े वर्ग की है, ये हिंदुस्तान की मीडिया कंपनी की मालिक नहीं बन सकती है। ऐसे ही यह लड़की ये दिन भर कैमरा लिए घूमेगी, 24 घंटा कैमरा लिए घूमेगी, मगर जो इसके मालिक इसे कहेंगे वो इसको दिखाना पड़ेगा, जो ये दिखाना चाहती है वो नहीं दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पिछड़े वर्ग की है। मीडिया में आपका कोई मालिक नहीं, सीनियर मैनेजमेंट में, बड़े पत्रकारों में आपका एक आदमी नहीं। अब मैं कहता हूं ठीक है, पिछड़े लोग के दलित आदिवासी लोग मीडिया में भी नहीं जाना चाहते, चलो मीडिया छोड़ो, प्राइवेट अस्पताल छोड़ो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज छोड़ो, मुझे हाईकोर्ट का बता दो, हाईकोर्ट में दलित आदिवासी पिछड़े कितने हैं बताओ? चुप हो गए, दम नहीं है आप में, आप सोए हुए हो। 650 हाईकोर्ट के जज हैं, 73% आप लोगों की आबादी है, 100 जज 73% के पास, और वो भी छोटे 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 छोटे। चलो आप मुझे कहोगे हिंदुस्तान में 73% को ना कॉर्पोरेट हिंदुस्तान में जगह चाहिए, ना मीडिया में जगह चाहिए, ना कोर्ट्स में जगह चाहिए, तो फिर मैं आपसे कहता हूं ठीक है, बताओ हिंदुस्तान के ब्यूरोक्रेट्स में आपके कितने लोग? 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, ये नरेंद्र मोदी को वहां पे बैठा रखा है, ये हिंदुस्तान नहीं चलाता, नरेंद्र मोदी के पास 90 लोग बैठे हैं, समझे? बजट बढ़ता है तो ये 90 लोग डिसाइड करते हैं कहां पैसा जाएगा। आपके प्रधानमंत्री को इन चीजों के बारे में समझ नहीं है, उनको नहीं मालूम कि बजट कैसे बनता है, पैसा कहां कैसे जाता है, उनको भाषण देना जानते, वो भाषण देना जानते, वो नफरत फैलाना जानते, भाषण देना चाहते, इसलिए उनको वहां बैठाया गया है। बैठाया किसने? अदानी ने, अंबानी ने, इन लोगों ने, ठीक है। अब सुनिए, 90 लोगों में से आपके बजट का एक एक रुपया, एक एक रुपया ये 90 लोग बांटते हैं। डिफेंस में कितना जाएगा, अग्निवीर योजना होगी या नहीं होगी? नहीं नहीं भैया, बोलो जितना बोलना है आपको, नहीं होगी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप में कुछ दम नहीं है, आप में कुछ दम नहीं है, बोलो जितना बोलना है, कुछ नहीं होगा।
अरे भाई सुन लो, समझ लो, समझ लो, समझ लो, आपके दिमाग में बात बैठ नहीं रही है। आप जितना चिल्लाना चाहते हो चिल्ला लो, जितना आप कहना चाहते हो अग्निवीर नहीं होगा चिल्ला लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आप में दम नहीं है, आप में दम नहीं है। अग्निवीर होगा, अग्निवीर होगा। क्यों? क्योंकि अडानी चाहता है इसलिए अग्निवीर होगा, मोदी चाहता है इसलिए अग्निवीर होगा। कैसे वो, क्या दम नहीं है आप में? कैसे नहीं होने? देखो हो रहा है, आप चिल्लाते हो और कुछ नहीं करते, दम नहीं है आप में। 73% में दम नहीं है। सुलारक मैं बताऊंगा आपको रास्ता, मैं रास्ता बताऊंगा, मगर दम नहीं है तुम लोगों में। तुम लोग सोए हुए लोगों, मैं खुल के तुम्हारे सामने बोल रहा हूं, तुम लोग सो गए हो। 73% हिंदुस्तान का जो बब्बर शेर है, जो इस देश को चलाता है, जो इस देश को आगे ले जाता है, वो सो गया है, डर गया है। ये देश की सच्चाई है। आप कहो जितना कहना है, अग्निवीर नहीं होगा, अग्निवीर नहीं होगा, नहीं होगा। 73% में दम नहीं है। होगा, कैसे नहीं होगा? अदानी ने डिसाइड किया, होगा, होगा। नरेंद्र मोदी ने डिसाइड किया, होगा, होगा। 90 ब्यूरोक्रेट्स ने डिसाइड किया है, होगा, होगा। दम नहीं है तुम में। अब सुनो, 90 लोगों में से आर्मी में कितना पैसा जाता है वो डिसाइड करते हैं, स्वास्थ्य में कितना जाएगा वो डिसाइड करते हैं, किसान बिल वो डिसाइड करते हैं। 90 में से आपका कितना? 90 में से दलित आदिवासी पिछड़ों की कितनी भागीदारी मुझे बताओ? 90 में से 3 ओबीसी, 3 दलित, 1 आदिवासी, 90 में से 7 आपके। और सुनो, पता कहां बैठे? बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री में नहीं बैठे, डिफेंस मिनिस्ट्री में नहीं बैठे, फाइनेंस मिनिस्ट्री में नहीं बैठे। कहां बैठे? छोटे से कमरे में बैठे हैं पीछे। और उनको कहा जाता है, तुम लोग चुप हो जाओ, ज्यादा बकवास मत करो, नहीं तो तुम्हारा एसीआर उड़ा दिया जाएगा। एसीआर समझते हो? नहीं समझते। एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जिससे पिछड़े ब्यूरोक्रेट्स की, दलित ब्यूरोक्रेट्स की, आदिवासी ब्यूरोक्रेट्स की रोज हत्या होती है। एसीआर नाम समझ लो, समझे? चुप हो गए, समझे? अब सुनो, 90 में से आपके 3, आपकी आबादी 73%, 90 में से 3 आपके। आप जानते हो 100 रुपए में से अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, आप जानते हो आपकी कितनी भागीदारी है? 73% जानते हो? 100 में से 73% की भागीदारी 6 रुपए 10 पैसे। 100 रुपए का नोट दो मुझे, 100 रुपए का नोट दो मुझे, मैं ठीक से समझाऊंगा आज आपको, तो समझोगे। 100 रुपए का नोट दो, ये रहा 100 रुपए का। अब 6 पैसे की कोई चीज दो मुझे, 6 रुपए की चीज दो मुझे कोई, 6 रुपए, 6 रुपए निकालो जेब से, ये लो 6 रुपए, ये लो, ये देखो, ये बजट में से 100 रुपए गए ना। अगर 100 रुपए बजट में खर्च हुए, ये है आपका, ये लो, देखो अच्छी तरह देखो इसको, ये है तुम्हारी भागीदारी, ये कम है, इसको तुम्हें उठा के फेंक देना चाहिए। 6 रुपए 10 पैसे की भागीदारी है तुम लोगों की, अन्याय है ये, हर रोज तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। ये लो 100 रुपए। अच्छा अब सुनो, राम मंदिर का आपने इनॉग्रेशन देखा, सबने देखा, मुझे बताओ उसमें आपको अदानी दिखा, उसका चेहरा देखा? अंबानी का चेहरा देखा? अमिताभ बच्चन का देखा? ऐश्वर्या राय का देखा? कोहली का देखा? किसी किसान का देखा?
किसी मजदूर का देखा, किसी गरीब का देखा? हिंदुस्तान की राष्ट्रपति, हिंदुस्तान की राष्ट्रपति आदिवासी है, हिंदुस्तान की राष्ट्रपति आदिवासी है, उसका आपने राम मंदिर में चेहरा देखा? क्यों नहीं देखा? क्यों नहीं देखा? किसी दलित का आपने मंदिर में चेहरा देखा? किसी पिछड़े का आपने मंदिर में चेहरा देखा? तो फिर अब मैं आपको बताता हूं, आपने नरेंद्र मोदी का चेहरा देखा, आप कहोगे नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग का आदमी है। और मैं आपको बताता हूं, नरेंद्र मोदी जब पैदा हुए गुजरात में वो जनरल कास्ट के आदमी थे। गुजरात में 2000 में उनकी जात, घांची जात को ओबीसी में डाला गया था। नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं है, नरेंद्र मोदी जनरल कास्ट के हैं। और नरेंद्र मोदी जनरल कास्ट के गरीब लोगों की भी देखभाल नहीं करते। तो यह मैं आपसे कहना चाहता था, मैं आपसे सिर्फ यह कह रहा हूं, आप अगर नहीं जगोगे, अगर आप अपना हक नहीं लोगे, भूखे मर जाओगे। आपके जो बच्चे हैं ना, मैंने देखा वाराणसी में, रात को मैंने देखा, शराब पिए सड़क पे लेटे हुए थे, शराब पिए सड़क पे लेटे हुए थे, डिप्रेशन में है, जानते हैं कि भैया कुछ नहीं होने वाला यहां पे। अब सुनो, अब बात समझो, रास्ता आपने मुझसे पूछा, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले एक ही सवाल आपको अपने आप से पूछना है, ठीक है? सवाल क्या बताओ, मुझे आज जब आप सुबह उठोगे, चाहे आप किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार हो, आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है। और इस बात को आप गहरी तरीके से समझिए, गहराई से समझिए। आपको सुबह उठ के कहना है, ये जो सोने की चिड़िया है जिसको हम भारत माता कहते हैं, पूरी दुनिया में इसको सोने की चिड़िया कहा जाता है, इस सोने की चिड़िया में से मुझे आज कितना सोना मिला? बस यही सवाल है। आप सुबह उठो, आप किसान हो, आप कहो कि मैंने भारत माता के लिए आज अपना खून पसीना दिया, मेरी माता ने आज मुझे कितना पैसा दिया? यही सवाल है, और कोई सवाल नहीं। अब बताइए, अब समझाता हूं आपको। सबसे पहला काम गिनती का काम है। सबसे पहले देश को बताना है, दलित, पिछड़े, आदिवासी इस देश में कितने हैं। उसका तरीका जाति जनगणना है। अब उसके बाद मैं आपको रास्ता बता रहा हूं, मैं क्रांतिकारी बात कर रहा हूं स्टेज पे। यह आपको हिंदुस्तान के टेलीविजन पे नहीं दिखेगी, क्योंकि टेलीविजन अदानी का है। पहला कदम होगा जाति जनगणना, उसमें जनरल कास्ट के कितने गरीब हैं, बैकवर्ड कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। उसके बाद जाति जनगणना के साथ इकोनॉमिक आर्थिक सर्वे, उसके बाद पता लगेगा कि पिछड़ों के पास इस देश का इतना धन है, गरीब जनरल कास्ट के पास इस देश का इतना धन है, अमीर जनरल कास्ट के पास, अरबपतियों के पास इतना धन है, पिछड़ों के पास, दलितों के पास, आदिवासियों के पास इतना धन है। और जिस दिन वो ऐसे ऊपर लिख दिया जाएगा,
उस दिन सारे के सारे बब्बर शेर जग जाएंगे। ये रास्ता है। अब जब मैंने जाति जनगणना की बात की, गिनती की बात की, नरेंद्र मोदी जी स्टेज पे जाते हैं, भाषण देते हैं, ऐसे कहते हैं, भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों, देश में सिर्फ दो जात हैं, एक गरीब है और एक अमीर है। देश में जात नहीं है। अरे भाई, अगर जात नहीं है तो तुम ओबीसी कैसे बन गए? जब जाति जनगणना का समय आया तो नरेंद्र मोदी ओबीसी शब्द को भूल गए। जब पैसे का सवाल आया तो नरेंद्र मोदी ओबीसी शब्द भूल गए, पिछड़ा शब्द भूल गए। कहते हैं दो ही जात है। नोटबंदी की, ये जो सब दुकानदार इनको बर्बाद कर दिया, किसानों को मार दिया, तब ओबीसी थे। जीएसटी लाए, पिछड़ों को मार दिया, तब ओबीसी थे। 14 लाख करोड़ रुपए उन्होंने अदानी जैसे लोगों का कर्जा माफ किया, तब ओबीसी थे। मैंने जाति जनगणना की बात की, सोने की चिड़िया की बात की, धन को बांटने की बात की, तो सिर्फ दो जात है, नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं है। आप ही बात समझिए। और मैं आपको बता रहा हूं, ये मीडिया वाले कुछ भी कर ले, कोई भी कुछ कर ले, इस तूफान को नहीं रोका जा सकता। ये आज नहीं तो कल 73% जग जाएगा। वो आस्ते आस्ते जगेगा। जब वो जगेगा, जब उसको सच्ची चोरी समझ आएगी, तब इस देश में क्रांति शुरू हो जाएगी, तूफान आ जाएगा। आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं, आपका नाम क्या है? हाँ, ऋषभ। क्या ऋषभ सिंह, ऊपर आओ। आओ ऋषभ सिंह को ऊपर लाओ। अब मैं आपको हिंदुस्तान की राजनीति, ये पूरा का पूरा ड्रामा जो चल रहा है, एक मिनट में समझाने जा रहा हूं। ये है ऋषभ सिंह, अच्छी तरह देखो इसको, ठीक है? अब मान लो मैं ऋषभ सिंह, हम सब ऋषभ सिंह का जेब काटने जाते हैं। मान लो ये तो सिक्योरिटी वाले हैं। मान लो यहां पे लोगों ने मन बना लिया इसकी जेब काटनी है, पहला काम क्या करेंगे? पहला काम कहेंगे, वो ऋषभ उधर देख, उधर देख, वो देख पाकिस्तान, उधर देख, ओए इधर देख, वो देख अमिताभ बच्चन, उधर देखो वो देख ऐश्वर्या राय, ओए उधर देख वो एक क्रिकेट। पहला काम ये। फिर ऋषभ सिंह उधर देखेगा, उधर देखो ये पीछे से बंदा आएगा, जेब काट लेगा, ठीक है? इसका नाम अदानी, वो जो ये कर रहा है उसका नाम मोदी। और तीसरा, यहां पे एक बंदा खड़ा रहेगा, भैया एक मुझे एक डंडा देना जरा, हाँ ये दो डंडा दो। और तीसरा यहां पे एक पीछे होगा, एक पीछे होगा वो अदानी, एक मोदी कहेगा इधर उधर देखो, और ये तीसरा यहां पे डंडा लिए खड़ा होगा, ऐसे 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 डंडा लिए खड़ा होगा, अगर किसी ने उल्टी सीधी बात की तो डंडा। अमित शाह, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस, ये सब। मैं काशी मंदिर गया, बात समझो आप, मैं काशी मंदिर गया, मैं शिव को मानता हूं, मैं काशी मंदिर गया, वहां पे पुलिस वालों ने क्या किया, वहां पे पुलिस वालों ने क्या किया, सारे मोबाइल फोन हटा दिए, सारे मोबाइल फोन हटा दिए, एक मोबाइल फोन अंदर नहीं आने दिया।
क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि राहुल गांधी की शिव मंदिर के अंदर फोटो दिख जाए। उसके बाद वाराणसी में सारा का सारा सेलफोन का जो नेटवर्क है उसको डाउन कर दिया। लोग मतलब वीडियो ले रहे हैं, वो वीडियो ना फैलाएं। आप देख लेना, ये जो मैंने भाषण दिया ना, मीडिया में नहीं दिखेगा आपको, दिख नहीं सकता। ये सोशल मीडिया में फैलाओ, आप सोशल मीडिया में दिखेगा, मीडिया में नहीं दिखा। अच्छा, सोशल मीडिया को भी वो अमेरिका से कंट्रोल कर रखा है। तो ये मैं आज आपसे कहने आया था, मेरा काम 73% को हिंदुस्तान की सोने की चिड़िया का धन दिलवाने का है। धन्यवाद। और धन्यवाद ऋषभ जी, नमस्कार, जय हिंद। भारत जोड़ो, जोर से भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो।